हेलो दोस्तों, मैं हूं साजिद शेख और आप है बने मेरे साथ स्टाफ नर्सिंग चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र स्टेट पास आउट कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें मेरे स्टार्स नर्सिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट पर जाना होगा, जहां से रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज पे आप चले जाएंगे, जहां पे आपको आपका न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वेदर यू हैव आपके पास है या नहीं यह पूछा जाएगा, जहां पर आपको नो क्लिक करना है। उसके बाद आप महाराष्ट्र स्टेट से पास आउट कैंडिडेट है इसलिए आपको महाराष्ट्र क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका आर्मी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो क्लिक करके आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सरनेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, उसके साथ ही आपका ईमेल आईडी एज ए यूज़र आईडी रहेगा और आपको पासवर्ड सेव करना होगा। तो ये सारी डिटेल्स एंटर होने के बाद आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा और आपको उसकी डिटेल्स आपके ईमेल पे मिलेंगे, जिसके बाद आप आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड यानी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिस पर आपको आपका सबसे पहले पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका पासवर्ड चेंज कर दिया था, लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखिए आपको रजिस्ट्रेशन का लॉगिन पेज ओपन होने के बाद फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन आईडी का पासवर्ड चेंज करना होगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर सकते हो। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा जहां पर आपको एमएनसी कोर्स या अदर कोर्स में से सिलेक्ट करना है। एमएनसी कोर्स में एएनएम, जीएनएम और अरिवाइज जीएनएम, ये तीन कोर्सेज फिलहाल अवेलेबल है। अदर कोर्सेज के अंदर यानी कि आप अगर एमएचएस से पास आउट है तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग, पीबीबीएससी नर्सिंग, ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे। उसके बाद आपको आपका पीआरएन नंबर एंटर करना है, जिसे सबमिट करने के बाद अगर आप महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से पास आउट कैंडिडेट हो यानी एएनएम जीएनएम आपने किया है तो आपके पूरे डिटेल्स यहाँ पर प्रिंट नज़र आएंगे, जिसमें आपका प्रोफाइल नेम यानी मिस्टर मिसेस, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, नेशनलिटी, कास्ट, रिलीजियन, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद आपके एडिशनल डिटेल्स जिसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सारे डिटेल्स आपके एंट्री रहेंगे। उसके बाद आपको एसएससी और एचएससी के डिटेल्स फिल करना है, जिसमें आपको एसएससी सिलेक्ट करके उसके बाद आपको मंथ ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग और उसके बाद बोर्ड का नाम और टोटल मार्क्स ऑब्टेंड और आउट ऑफ मार्क्स। उसके बाद एचएससी के बारे में भी आपको मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद बोर्ड, उसके बाद आपके टोटल मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स। उसके बाद आपको आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, जीएनएम, रिवाइज जीएनएम या आप सिलेक्ट कर सकते हैं एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, और यहाँ पर मैंने ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी को चूज़ किया है। और डेट ऑफ पासिंग, जो डेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट नीचे मेंशन होती है पासिंग सर्टिफिकेट में, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपको रीजन सिलेक्ट करना होगा, जिसके अंडर आपका स्कूल का नेम आपको दिखाई देगा और उसके बाद सिलेक्शन, आगे के सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है आपके महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल एज अ एग्जामिनेशन बॉडी सिलेक्ट करके आपका ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद आपका लास्ट एग्जाम अपीयर का पूरा डिटेल्स भर के आपको सारी चीज़ें जो है वो सेव करनी होगी। उसके बाद आपको आपका इंस्टीट्यूट यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डिटेल्स ऐड करना होगा। यहाँ पर प्रीफिल डिटेल्स है क्योंकि मैंने इसको भरा है आपको जानकारी देने के लिए। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका ट्रेनिंग डिटेल्स के लिए आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंटर कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ कोर्स कम्प्लीशन, ये चीज़ें आपको वहाँ पर एंटर करना है।
एज पर योर सर्टिफिकेट और सी फॉर्म आपको ये सारी डिटेल्स एंटर करनी होगी। सी फॉर्म की डिटेल्स और ये डिटेल्स मैचअप होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इसको केयरफुली भरना है। तो यहाँ पर पूरे डिटेल्स भरने के बाद वापस एक बार आप जो है तो मेन लॉगिन पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पर आपको जो है पूरे डिटेल्स चेक करना है, क्योंकि एक बार आपने इसको सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको चेंजेस करने के लिए चांस नहीं रहता है। इवन डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे उसके बाद आपके अगर रिजेक्ट हो जाएंगे डॉक्यूमेंट, तब भी आपको एडिट करने का चांस नहीं रहेगा। इसलिए जो भी डिटेल्स भरना है वो ठीक से भरें। उसके बाद आपको जब अपलोडिंग करना है तो अपलोड पर क्लिक करने के बाद जैसे आप फाइल सिलेक्ट करेंगे प्रॉपरली, जहाँ से आपकी फ़ाइल अपलोड करनी है वहाँ से आपको सिलेक्ट करके उसको अपलोड करने के बाद, फाइल चूज़ करने के बाद ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, यहाँ पर एनएम के डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताऊँ, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों यहाँ पर आपको कैंडिडेट रिसेंट फोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर, एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सी फॉर्म, A&M फर्स्ट ईयर मार्कशीट, A&M सेकेंड ईयर मार्कशीट, उसके साथ ही पासिंग सर्टिफिकेट और HSC बोर्ड सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। और GNM के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट जिसमें इंटर्नशिप और थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट रहेंगे, और उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट भी रहेगा जो एडिशनल रहेगा। तो जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उसको व्यू क्लिक पर क्लिक करके आपने जो भी फाइल अपलोड किया है वो करेक्ट है या नहीं, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कन्फर्म करना है फॉर्म को, उसके लिए आपको अपलोड एंड कंफर्म पर या बैक पर क्लिक करने के बाद आप उस पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक करके आपका फॉर्म कंफर्म कराना है। उसके बाद ही एडमिन कंफर्मेशन दे पाएगा और उसके बाद ही आप जो है तो पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपके एप्लीकेशन को कंफर्म करेंगे उसके बाद आपको प्रिंटआउट का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपका UID और एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाई दे सकता है, जिसे आप MNC को डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन के लिए कॉल करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा जिसको मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है और उसका प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड कन्फर्मेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी कन्फर्म कर दिया था, उसके बाद मुझे प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ पर जो भी आपने फ़ोटो अपलोड किया है, सिग्नेचर अपलोड की है, उसके बाद में जो डिटेल्स भरे हो आपको दिख सकते हैं। इसके बाद जल्दी से वेरिफिकेशन होने के लिए आप MNC को या तो मेल कर सकते हैं या तो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस वीडियो का पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच।